नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में पत्रकारों को प्लाट आवंटित करने का मामला तूल पकड़ चुका है। कई पत्रकार सरकार की इस नीतियों का विरोध कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वे प्लाट भी बिना किसी जांच पड़ताल के उन पत्रकारों को दिए गए थे जो वास्तविक रूप में पत्रकार भी नहीं है। उनके समाचार पत्र या चैनल का आज कोई अस्तित्व नहीं है। पत्रकारों ने अपनी पत्रावली में न डिप्लोमा पेश किया है, न ही कोई प्रमाण पत्र, फिर भी उन्हें प्लाट आवंटित हो गए। जब पत्रकारों ने अपने अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज ही संलग्न नहीं किए तो इन्हें नगर परिषद द्वारा भूखंड आवंटित कैसे किए गए। कुछ पत्रकारों ने तो प्लाटों में मकान बनाकर व्यवसायीकरण कर दिया है, जबकि जो वास्तविक पत्रकार हैं और प्लाटों के हकदार हैं उन्हें अभी तक कोई प्लाट आवंटित नहीं किया गया है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकारों का इस बारे में क्या कहना है। प्लाट आवंटित किए हैं वो गलत नीति के तहत किए गए हैं। न तो इनकी योग्यता के सर्टिफिकेट लिए गए, न पत्रकारिता के अनुभव का प्रमाण पत्र है, न इन्होंने किसी भी समाचार पत्र में विज्ञापन दिए, न कोई प्रार्थना पत्र मांगे गए। और अपने अपने जो चाहते हैं इन लोगों को ये प्लाट आवंटित किए गए हैं। इसके संबंध में न्यायालय, सिविल न्यायालय गंगापुर सिटी में एक मामला विचाराधीन है, जिसमें मैं भी एक पार्टी। दूसरा, इन्होंने जो प्लाट लिए हैं वो केवल आवासीय क्षेत्र के लिए लिए गए, इन्होंने उसे व्यावसायीकरण कर लिया है तथा वहाँ पर मकानों के आगे व्यावसायीकरण के बोर्ड भी लगे देखे जा सकते हैं। गंगापुर सिटी में जितने भी पत्रकार प्लाटों से वंचित रह गए हैं उन्हें भी प्लाट आवंटित किए जाने चाहिए। ये एक तरह से नगर परिषद द्वारा दोगला व्यवहार दिखता है। प्लाटों के मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ, विजय सिंह राजपूत, ये 2013 की बात है जब नगर पालिका ने पत्रकारों को प्लाट आवंटित कर दिए। ये रात रात का खेल हुआ। इसमें कई ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने जो सूचना प्राप्त की थी उनके अनुसार जब हमने जानकारी करी नगरपालिका से, तो उन्होंने जो हमको जानकारी दी उसके अनुसार ना ही तो इन्होंने कोई विज्ञप्ति जारी करी, ना ही किसी पत्रकारों की योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त की, और बिना किसी सूचना की अपने चहेते लोगों को इन्होंने प्लाट आवंटित कर दिए। इसी संदर्भ में हमने एक केस दायर कर रखा है जो न्यायालय में विचाराधीन है। ये कहना चाहता हूं कि जो पत्रकार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जो सुविधाएं दे रही है वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि गंगापुर के जो भी पत्रकार हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अखबार चला रहे हैं, संपादक हैं, उनको भी इस लिस्ट में नहीं लिया गया, तो कम से कम उन लोगों को तो सूचना दे करके और उनको प्लाट आवंटित करना चाहिए था। सरकार के नियमानुसार किसी भी आवासीय कॉलोनी में कोई भी पत्रकार उसको व्यवसायीकरण नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो सरकारी नियमों के अनुसार वो गलत है। इसलिए ये केवल आवासीय भूखंड होते हैं और पत्रकारों को रहने की सुविधा के लिए आवंटित किया जाते हैं, किसी व्यवसायीकरण के लिए नहीं, व्यवसाय के लिए नहीं दी जाते। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है।